ठीक है चलो, एक पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट वायर ऑफ लेंथ एल 4 मीटर। चलो पोटेंशियोमीटर हम सबको पता है क्या होता है, वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए बेस्ट डिवाइस है, आइडियल वोल्टमीटर भी इसको बोला जाता है, और इसमें एक स्टैंडर्ड सेल रखता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और दिस इज द प्राइमरी सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर, इट इज कॉल्ड द प्राइमरी सर्किट, इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। दो सर्किट होता है आप पढ़े होंगे, तो ये आ गया बच्चों प्राइमरी सर्किट। अब यहाँ से एक दूसरी सर्किट कनेक्ट होती है, यहाँ से जो अननोन ईएमएफ प्लस माइनस अननोन जिसको हमें निकालना होता है बच्चों, अननोन ईएमएफ, यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर जी से कनेक्ट होता है और यहाँ बैलेंसिंग लेंथ कुछ मिलता है, तो ये इस सर्किट को जो लोअर वाला पार्ट है इस सर्किट को हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, इसमें अननोन ईएमएफ वगैरह इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी है ये यहाँ हमें लगाया जाता है, और ये ई नॉट स्टैंडर्ड है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका आर है। अब चलो क्वेश्चन पढ़ो, पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ 4 मीटर, दिस वायर इज लेंथ 4 मीटर, दिस वायर इज लेंथ, दिस लेंथ इज 4 मीटर, दिस लेंथ इज 4 मीटर, ऑलरेडी गिवेन इन द सर्किट, वायर रेजिस्टेंस 4 मीटर, लेंथ रेजिस्टेंस 10, दिस वायर टोटल हैव रेजिस्टेंस आर दैट इज 10 ओम, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द दिस वायर, पोटेंशियल लेंथ 4 मीटर, रेजिस्टेंस इट इज कनेक्टेड टू EMF 2 दैट इज स्टैंडर्ड EMF 2 वोल्ट, दिस इज ई नॉट, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, सपोज दिस वायर इज ए बी, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, सो ये पूछ रहा है कि इस वायर का पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ से जो पोटेंशियल ऑफ वायर ए बी पर यूनिट लेंथ इज डिनोटेड बाई द के एंड इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है बच्चों इसी की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो अगर यहाँ से ये तो बैलेंसिंग लेंथ है, यहाँ से ये इस सर्किट को भूल जाओ, यहाँ से करंट आई फ्लो हो रही है इस सर्किट में, तो पोटेंशियल वी ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी, वी ए बी की वैल्यू करंट आई मल्टीप्लाइड बाई इस वायर का रेजिस्टेंस, इस वायर का इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना हमें इसके अक्रॉस, तो इट इज बिहेव लाइक ए रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा ना, पूरे का वायर का 10 था तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल हो इसमें करंट और मल्टीप्लाइड बाई इसका रेजिस्टेंस, तो करंट की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो पूरे सर्किट में करंट निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, नो इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट गिवन, सो यहाँ से मुझे करंट आई की वैल्यू वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज मल्टीप्लाइड बाई आर, कथा पोटेंशियल यहाँ से अगर मैं मुझे के चाहिए बच्चों, ये वाला के कैलकुलेट करना हमें, तो पोटेंशियल ऑफ दिस वायर और यहाँ से मैं आई करंट सर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एक ही था तो रेजिस्टेंस कैंसिल हो गया और वोल्टेज ऑलरेडी 2 वोल्ट दिया हुआ है, तो पोटेंशियल अक्रॉस द ए बी आ जाएगा दैट इज द 2 वोल्ट, अगर 2 वोल्ट आ गया तो इसमें रख दो तो के की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन लेंथ दैट इज 4 दैट इज 1/2, 1/2 मतलब 0.5 वोल्ट पर मीटर इज द सोल्यूशन, तो 0.5 वोल्ट पर मीटर इज द सोल्यूशन, दैट इज सी ऑप्शन सही है।